वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। कल का दिन देश के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण था। सदन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही थी। देश में लाखों लोग इस बजट को गौर से सुन रहे थे। सदन में भी सब सीरियस थे, पर सवाल ये कि राहुल गांधी जी क्या कर रहे थे, सवाल आपके मन में भी होंगे। और ऐसे ही एक तस्वीर शेयर की मेजर सुरेंद्र पुनिया ने भी, जिसमें राहुल गांधी बेहद ही सीरियस नजर आ रहे हैं। और उन्होंने पूछ लिया, आप भी सोच रहे होंगे कि आपके अनुसार जीनियस क्या सोच रहे हैं। अब इस तस्वीर के जवाब में लोगों ने भी फनी रिएक्शन दिए हैं। एक शख्स ने लिखा कि राहुल जी बहुत ध्यान से संसद में बजट सुन रहे हैं और मन ही मन में प्रौद्योगिकी बोलने का प्रयास भी कर रहे हैं। वहीं मुकेश कुमार जोशी ने लिखा, काश बजट में बहु और बहुमत देने का प्रावधान होता। वहीं बल्लू ने लिखा कि भाई समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा, लेकिन क्या करूं, बाद में ट्विटर पर ज्ञान भी तो देना है। वहीं एक शख्स ने लिखा कि ये क्या चल रहा है, लोग क्या बोले जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा छोटा भीम का एपिसोड भी मिस हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर कैसे बन सकते हैं, अगर मैं फाइनेंस मिनिस्टर होता तो अपने हिसाब से टाइम डिसाइड करता, पहले छोटा भीम तो देख लेता। वहीं एक अन्य शख्स ने लिखा कि यही कि बजट के विरोध में क्या बोलना है, इस बजट में मेरी खोजी गई आलू से सोना बनाने वाली मशीन पर टैक्स बढ़ाकर महंगी कर दी गई है, किसानों के लिए MSP 35,000 करोड़ क्यों नहीं की गई। वहीं एक अन्य ने लिखा कि आलू से सोना बनाने मशीन तो बना ली, अब पानी से पेट्रोल बनाने की मशीन बनाऊंगा, फिर सब मेरे बारे में बातें करेंगे, मेरे आगे पीछे घूमेंगे जैसे मोदी जी के आगे पीछे घूमते हैं, सब हो सकता है मोदी जी भी मेरे आगे पीछे घूमे, मेरी तारीफ करें। वहीं एक ट्विटर यूजर ने जवाब तो नहीं दिया, हाँ इस फोटो को नया कैप्शन देते हुए जरूर लिख दिया कि अपने दिमाग में उंगली घुसा रहा है, क्योंकि बात तो दिमाग में घुस नहीं रही, जरा गौर से देखें। अब ऐसे तमाम तर मजेदार जवाब लोगों ने दिए हैं, तो आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार, ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल, वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।